हेलो फ्रेंड्स, कुक विद सुचिता में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल पुलाव बताने वाली हूँ। वो है हमारा अनियन पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और टेस्टी इतना कि बस खाते ही रह जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि ये अनियन पुलाव के लिए हमको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये पुलाव वाले चावल हैं। ये मैंने 1.5 कप चावल लिए हुए हैं। अगर आपके पास पुलाव वाले चावल नहीं हैं तो आप नॉर्मल चावल से भी ये बना सकते हैं। और उसके साथ ही कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। उसमें एक काजू को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। थोड़ी सी किशमिश ली है, थोड़ा सा नारियल को मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है। और उसके साथ ही हमने लिया है यहाँ पे तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में लौंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और काली मिर्च, इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये ऑनियन पुलाव है इसलिए हमें इसमें प्याज तो चाहिए। तो यहाँ पे प्याज को मैंने लंबा लंबा बारीक काट लिया है। तो इसी तरीके का लंबा लंबा प्याज हमको इसमें चाहिए। तो सबसे पहले जो ये चावल है उसको हम लोग 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं। तो चावल हमने धो लिया है, उसका पूरा पानी निकाल दिया है। अब बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक कुकर में डालेंगे करीब 1 से 1.5 चम्मच घी। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में काजू, नारियल और किशमिश, इसको हम लोग डाल के हल्का सा इसको हमको बिल्कुल लाइट पिंक इसको हमको भूनना है। इससे जो पुलाव का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ये बीच में उसमें खाने में आते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बस हल्का सा हमको लाइट पिंक होने तक ही इसको भूनना है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये लाइट पिंक कलर आया है। बस अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और उसी कुकर में अब हम डालेंगे थोड़ा सा और तेल डालेंगे इसमें। और तेल डाल के हम लोग इसमें प्याज को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ प्याज को हमको बिल्कुल धीमी आंच में भूनना है और प्याज को इसमें हमको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके का गोल्डन ब्राउन कलर हमको प्याज का चाहिए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन कलर प्याज का आ जाएगा हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और जो ये प्याज हम लोग ने भुनी है उसको हम लोग एक प्लेट में अलग कर लेते हैं। प्याज तो हम लोग ने पूरी अलग कर ली है। तो अब कुकर में डालेंगे हम लोग थोड़ा सा और घी। और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम लोग जो ये खड़े मसाले हैं उसको हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे जो छोटी इलायची और बड़ी इलायची है उसको मैंने थोड़ा सा कूच लिया है, जिससे उसका जो फ्लेवर है वो हमारे पूरे पुलाव में आ जाएगा। उसके दाने हमको निकाल के अलग नहीं करना है। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं। और जब भुना जाएगा तब ये जो चावल है हम लोग उसमें डाल देते हैं और इसको भी हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, चावल को हमको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। बस हमको इसमें इसको धीमी आंच में 1 से 2 मिनट ही इसको भूनना है। तो ये सारी चीज़ें तो आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और उसके साथ ही डालेंगे थोड़ी सी चीनी। दोनों को डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जब भी इसको मिक्स करिएगा बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, नहीं तो जो चावल है वो टूट जाएगा और पुलाव हमारा खिला खिला नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको मिक्स करेंगे। और जब 1 से 2 मिनट हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिया था तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 कप पानी डाल रही हूँ। बाकी तो जो भी आप चावल ले रहे हैं उसमें कितना पानी लगेगा इसका अंदाज़ा तो सभी को होता ही है। तो ये तो पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया। अब जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग ने तल के भून के रखे हुए थे उसको भी अब हम लोग इसमें डाल देते हैं।
और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और कुकर का अब हम लोग ढक्कन बंद कर देते हैं, और जब एक सीटी आ जाए तो तुरंत हम लोग कुकर बंद कर देंगे और उसके बाद वेट करेंगे उसके खुलने का। तो ये देखिए कुकर अब खुल चुका है। अब देखते हैं कि पुलाव है वो हमारा किस तरीके से बना है। तो आप देख रहे हैं कि जो पुलाव है वो कितना खिला खिला हमारा बन के तैयार हुआ है। इसको चलाते समय इतना मत चला दीजिएगा कि पुलाव बिल्कुल हमारा टूट जाए, बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसको हमको चलाना है। और इसके साथ ही जो भी प्याज हम लोग ने तल के रखा हुआ था इसको भी अब हम लोग धीरे धीरे करके इसमें हम लोग मिलाते जाते हैं ताकि ये पूरे पुलाव में मिक्स हो जाए। तो प्याज हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे, नहीं तो प्याज अच्छे से पूरे पुलाव में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है ये ऑनियन पुलाव बनाना, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है क्योंकि इसमें बाकी जो मसाले हैं उनका फ्लेवर है, और साथ में जो ऑनियन को हम लोग ने तल के रखा हुआ था उसका एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इस पुलाव में आता है। तो इस पुलाव को आप पनीर की सब्जी, छोला या ऐसे भी इसको हम लोग खा सकते हैं। तो ये मेरे पुलाव की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।